ग्रामीण चौकीदार एसोसिएशन की ओर से रविवार को प्रदर्शन करने के बाद प्रदेश के जन स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल के आवास पहुंचकर मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शन के दौरान चौकीदार एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि कई सालों से उनका वेतन व भत्ता नहीं बढ़ पाया है, ऐसे में सरकार से मांगे कि जल्द से जल्द उनके वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी कर अन्य मांगों को भी माना जाए। मंत्री ने भी तमाम समस्याओं का समाधान का आश्वासन चौकीदार एसोसिएशन को दिया। चौकीदार एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन देने से पहले सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल पर फूलों की वर्षा की गई। इसके बाद फूल मालाएं पहनाई गई, वहीं पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से चौकीदार एसोसिएशन ने अपनी मांगों के साथ मंत्री को सम्मानित भी किया। क्या नाम है आपका? मैं मास्टर सुबे सिंह। सुबे सिंह जी, आज यहाँ मंत्री जी के यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? हमारा जी 5 साल से ग्रामीण चौकीदारों का ना तो कोई भत्ता बढ़ा है, ना ही वेतन बढ़ा है। हमारी सरकार से, मंत्री महोदय जी से डिमांड है कि हमको नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए ग्रामीण चौकीदारों को, तब तक न्यूनतम वेतन 24,000 रुपया मासिक लागू किया जाए। वेतन हर महीने की 1 तारीख को जारी किया जाए, बहुत गरीब तबका है। मृत्यु पंजीकरण 4 साल से लागू है, परंतु रेवाड़ी जिले में एक भी पैसा अभी तक जारी नहीं हुआ है, उसकी 4 साल की बकाया राशि जारी करवाई जाए। वेतन हर महीने की 1 तारीख को जारी हो और आंगनवाड़ी की तरह रिटायरमेंट पर एक मुश्त कुछ लाभ दिया जाए। हमारी मांग है कि ग्रामीण चौकीदार रिटायरमेंट जब 65 साल के बाद घर जाए तो उसको रिटायरमेंट पर 3 लाख रुपया सहायता राशि व न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपया मासिक लागू करवाई जाए और सरपंचों की तस्दीक जो कई बार बहुत दिक्कत करते हैं वो हमारी खत्म कष्ट कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे जिलों में हमने गिरफ्तारियां जैसे महेंद्रगढ़ में भी दी और जिलों में भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। उसी कड़ी में आज जिला रेवाड़ी में भी हमारे राज्य प्रधान अनिल कुमार मोरवार की अध्यक्षता में आज ये प्रोटेस्ट निकाला है और मंत्री महोदय को ज्ञापन देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी।